मेरठ में सड़क पर नमाज न पढ़ने के फैसले के बाद मस्जिद के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें नमाजियों से अपील की गई है कि मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज ना पढ़े। सर्दनाक के मोहल्ला खेवान में बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने हजारों की नकदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। पीड़ित परिवार राजस्थान घूमने गया हुआ था, जिसका फायदा उठाते हुए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगालते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। जी, मोहल्ला खेवान से अभी सुबह ही पता चला है, जो हमारे पड़ोस में ये रिंकू रहता है, ये कहीं शादी के प्रोग्राम में घूमने के उससे बाहर गए हुए थे। किसी अज्ञात आदमी को पता चला तो उन्होंने जो इसके यहाँ रात चोरी कर ली और काफ़ी मात्रा में काफ़ी सामान गया है, सोने की चीज़ है, कैश भी है, शादी की सारी तो शादी की सब सामान चला गया है। पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को सूचना दे दी है, पुलिस भी आई थी और इसके फुटेज लगी हुई है, निकलवाएंगे, कैमरा लगा हुआ है मेन गेट पर, उसके बाद कार्रवाई कराएंगे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस ने एक फर्जी लाइसेंस बनवाने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने इस गिरोह के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल गैंग का सरगना पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कुछ दिन पहले जनपद गाजियाबाद में एक गिरोह पकड़ा गया था, जो कि फर्जी एड्रेस इत्यादि देकर लाइसेंस बना गया और उस फर्जी लाइसेंस पे एक शाहजहांपुर के गन हाउस से वेपन्स भी जारी करवा देता था। इसी के क्रम में पहले जो पांच लोग पकड़े गए थे उनसे जो पूछताछ हुई थी, उनसे जो इनपुट्स मिले थे, उसी के क्रम में चार लोग और सब गाजियाबाद के पकड़े गए हैं, जो कि थाना विजयनगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से चार पिस्टल और चार जो फर्जी बने हुए असलाह थे, सभी में जनपद शाहजहांपुर का एड्रेस दर्शाया हुआ था, वो गिरफ्तार हुए। इनसे पूछताछ में और कुछ बातें आई हैं जिस पर हम अभी वर्क कर रहे हैं इस गिरोह में, और जो भी लोग संलिप्त पूछ रहे हैं, अन्य जो भी लोगों ने फर्जी तरीके से लाइसेंस बनवाया है उनके काम चल रहा है, उम्मीद है आगे और भी गिरफ्तार पिछले बार पांच लोग पकड़े गए थे, उनके पास से पांच वेपन्स बरामद हुए थे, अभी चार पकड़े गए हैं, उनके पास से चार वेपन्स बरामद। जांच में ये आ रहा है कि सोफियाने तौर पे ये लोग अपने जो हथियार से रखा करते थे कहीं ना कहीं दिखाने के लिए। देखिए, इसमें अधिकतर उन्हीं लोगों ने इस गिरोह के साथ मिले जो लोग की जो जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स नहीं थी और उनके नॉर्मल तरीके से शस्त्र नहीं बन पाते, इसलिए इन्होंने इस गिरोह का सहायता लिया और ये अपने लाइसेंस बनवाए। मुरादाबाद के बिलारी में कोतवाली थाना प्रभारी गजेंद्र त्यागी का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो एक बुजुर्ग को धक्का देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग व्यक्ति किसी मामले में शिकायत लेकर आया था, लेकिन थाना प्रभारी ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। राजस्थान में तेज वर्षा होने से कोटा बैराज से पानी चंबल नदी में छोड़ा गया है, जिसके कारण चंबल नदी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। इस संबंध में चंबल कमिश्नर रेणु तिवारी ने मुरैना, श्योपुर और भिंड जिले के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि चंबल नदी से लगे गांव में राजस्व टीम उपस्थित रहे। जो गाँव चंबल नदी के समीप है उन गाँव को अलर्ट जारी कर दिया है, वहां चौकसी बनाए रखें, इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। बाड़मेर के ग्राम पंचायत बिसारानिया के उप स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात एएनएम जमकर रिश्वतखोरी का खेल खेल रही है। एएनएम गंगा देवी ममता शिशु कार्ड के नाम पर अवैध वसूली कर रही है। इस मामले में लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। हरदोई की शारदा नहर में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज अपनी जांच शुरू कर दी। यूपी के कुशीनगर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब घर में जल रहे दीपक की वजह से अचानक आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया।
आग लगने की जानकारी के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीलीभीत में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई। हादसे की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ये जानकारी प्राप्त हुई ईटगांव के पास में कैचवा गांव के पास ट्रक से एक बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें लोकल के धनगावा गांव के दो टहरे बाइक उनका ट्रक के नीचे आने से मृत्यु हो गई है। मौके पर पुलिस SDM साहब और हम लोग आए हैं, बॉडी को भिजवा दिया मोर्चरी, उनके परिवारजनों ने पहचान भी कर ली और वो लोग भी साथ में हैं। पोस्टमार्टम करा के आगे की कार्रवाई की जा रही है। ट्रक को और बाइक को जो क्षतिग्रस्त है उनको सुरक्षित थाने ले जाया जा रहा है। पीलीभीत के बीसलपुर में बाल विवाह अपराध से जुड़ा एक मामला सामने आया है। यहाँ पिता ने अपनी नाबालिग बेटी की बिना मर्जी के जबरन शादी करा दी, जिसकी शिकायत उसकी पत्नी ने थाने में आकर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक प्रकरण सामने आया है, बीसलपुर में 15 साल की बच्ची नाबालिग बच्ची का विवाह करा दिया गया। इस प्रकरण में आप क्या कहना चाहेंगे? जो है उसके संजय मेरे पिता ने मेरे परिवार की इच्छा के विरुद्ध मेरी बहन की शादी कर दी है, जिसमें कल उस पीड़िता की मां की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई है बाल विवाह की, जिसमें पीड़िता के पिता और जिसने शादी की है उनकी बालिग दिखती है उनके विरुद्ध बाल विवाह और मारपीट के धारा में उनका मुकदमा किया गया। आगे की कार्रवाई जो भी विधि संगत वो की जा रही है और मीना देवी और जो पीड़िता है उनसे जानकारी जुटाई जाएगी किन परिस्थितियों में इस तरह से ये विवाह हुआ। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा लीलावती। क्या मामला है आपका? पापा ने मुझे मारा और पापा ने कहा शादी नहीं करेगी तो तुझे मारूंगी, फिर मैंने शादी करी तो उसकी है पापा ने मेहर कर दी तो वो लोग मारते हैं हमें पी के शराब पी के। कब हुई शादी आपकी? 6 तारीख को हुई एक महीना। कितनी साल उम्र है आपकी? 15 साल की। थाना बीसलपुर में एक माँ ने अपनी बेटी के सपोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया, कहा उसके पिता ने जबरदस्ती उसकी शादी करा दी, लड़की नाबालिग है। क्या जानकारी आपको, क्या कार्रवाई आपके प्रशासन की तरफ से की जाएगी? इसमें आपके द्वारा हमें सूचना मिली है कि नाबालिग की शादी कराई गई है, इसमें जो हमारा बाल प्रतिषेध अधिनियम 2006 है उसके तहत अगर पीड़िता तहरीर देती है तो उसमें फिर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें FIR हो चुकी है और FIR होने के बाद माननीय न्यायालय में केस जाएगा, वहाँ से इसके पुनर्वासन के जो भी हमें निर्देश दिए जाएंगे वो कार्रवाई कराई जाएगी और इस स्थिति में विवाह शून्य घोषित किया जाएगा, क्योंकि ये कार्यवाही माननीय न्यायालय पे है तो उसके उनके कंप्लाइंस के बाद ही हम लोग उसमें जैसा निर्देश होंगे वो कार्रवाई। अच्छा, मामला सत्य पाया जाता है तो उनके जो पिता है लड़की का और जो उसका पति जिसका शादी हुई है तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? इसमें उसमें कार्यवाही का प्रावधान है, उसमें जो भी शामिल है विवाह करने में वो जो उनके माता पिता हैं लड़के के और लड़की के दोनों ही दोषी हैं, साथ ही उसमें जो सहायक रहे हैं जिसने भी वो शादी अनुज्ञापित कराई है जो उसमें सहायक रहे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये जो FIR हुई है उसी के तहत ही जो भी विधिक कार्रवाई है उसी के अनुसार ही की जाएगी।